जी हाँ नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। आज मैं आपको अपना फैक्ट्री दिखाने वाला हूँ, मस्टर्ड ऑयल का फैक्ट्री, और बताने वाला हूँ कि मैं अपना मस्टर्ड ऑयल का बिज़नेस कैसे करता हूँ। आज मैं 4 या 5 साल से बिज़नेस को कर रहा हूँ, मस्टर्ड ऑयल का बिज़नेस। मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं कौन सा मशीन बिठाया हूँ, कौन सा चक्की, कौन सा एक्सपेलर, कौन सा इंजन, सारा कुछ बताऊँगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको घुमाऊँगा। अभी तो एक लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये है मेरा फैक्ट्री मस्टर्ड ऑयल का, और ये मैंने इसे कुछ 150 फीट में बनाया है। इसकी लंबाई 150 फीट है और चौड़ाई मात्र 13 फीट है दोस्तों, और मैं आपको आज पूरा घुमाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर आप मस्टर्ड ऑयल के बिज़नेस में नया हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा मशीन हमें लेना चाहिए, कौन सा आटा चक्की, कौन सा इंजन, कौन सा फिल्टर मशीन, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज मैं आपको पूरा घुमाऊंगा, डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो ये मेरा कुछ 150 फीट वाला प्लांट है मस्टर्ड ऑयल का, और मैं आपको धीरे धीरे करके घुमाता हूँ। सबसे पहले हम अगर अंदर आते हैं तो मैंने फिल्टर मशीन बिठाया हुआ है दोस्तों। ये 18 प्लेट का फिल्टर मशीन है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जिको कंपनी का मैं एक्सपेलर और फिल्टर दोनों यूज करता हूँ। अगर आप भी जिको का एक्सपेलर एवं फिल्टर मशीन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको जिको कंपनी का फिल्टर एवं मशीन अरेंज कराने का प्रयास करूँगा। तो ये कुल फिल्टर मशीन हो गया 18 प्लेट का। इससे तेल फिल्टर होता है, आप सभी जानते होंगे। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने 20 इंची का पट चक्की बिठाया हुआ है दोस्तों, जिसमें मैं स्पेशल मसाला को पीसता हूं। इस चक्की में स्पेशल मसाला ही पीसता हूं दोस्तों, इसमें आटा को नहीं पीसता हूं। जीरा, गोलकी, धनिया मसाला, सारा मसाला इस चक्की में पिसाई होती है। यहाँ पे इसका पुल्ली है दोस्तों, और मैं मशीन को इंजन से चलाता हूँ, क्योंकि लाइन का सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा यहाँ पे नहीं है, है मगर दोस्तों वैसा नहीं रहता है। इसके बाद मैं आपको अगर बता दूँ तो 20 फीट का एक और चक्की मैं बैठाया हूँ, जिसे खड़ा चक्की के नाम से जाना जाता है। ये मारुति कंपनी का है और ये 20 इंची का खड़ा चक्की है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे, इसमें मैं आटा, मैदा एवं दोस्तों बेसन सत्तू का काम करता हूं इस चक्की में, और इस चक्की में मैं आटा का भी पिसाई करता हूं, मक्का का भी एवं गेहूं का भी पिसाई मैं करता हूं। और ये हमने 20 फीट का लैंडसॉफ्ट बिठाया हुआ है, जिसमें हमने पुली को सेट किया है और पुली के माध्यम से मेरा सारा मशीन चलता है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये मेरा हो गया 20 इंच का चक्की। इसके बाद आ जाइए, मैं आपको इंजन दिखाता हूँ। ये मेरा 3 सिलेंडर का इंजन है दोस्तों, काफ़ी हैवी इंजन इसे कहा जाता है, और 3 सिलेंडर का इंजन हमने बिठाया है ताकि एक बार 12 बोल्ट की मशीन और एक 20 इंची का चक्की मशीन आराम से चला लेगी। और ये हो गई मशीन का टैंक दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, जिसमें हम इसमें डीजल को रखते हैं। और ये हमारा 3 सिलेंडर का इंजन है, मोटा मोटी दोस्तों 50 HP का नहीं, आपको मैं दिखा ही देता हूँ कितने HP का ये मशीन है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे दिख पा रहा होगा 38 HP का ये मशीन है दोस्तों, 3 सिलेंडर का ये मशीन है। इसके बाद आप आ जाइए एक्सपेलर की ओर। सबसे बढ़िया एक्सपेलर हमने बिठाया है, 12 बोल्ट का एक्सपेलर है, जीको गाजियाबाद का दोस्तों। आपने कभी भी अधिकतर में मिल में दोस्तों आप 6 बोल्ट का ही मशीन देखे होंगे, मगर मैंने अपना काम के लिए, पैकिंग का काम मैं करता हूं, इसलिए मैंने 12 बोल्ट का मशीन को बिठाया है, जिको कंपनी का। इसलिए अगर आप भी जिको कंपनी का मशीन लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, मैं आपको जिको का मशीन दिलवाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। तो ये मेरा फैक्ट्री हुआ कुछ ऐसा जैसा कि देखने में आपको लग रहा है। अगर आप भी इस बिजनेस में नया है और आपको भी अगर एक मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस शुरू करना है, आपको पता नहीं कि आपको कौन सा एक्सपेलर, कौन सा इंजन, कौन सा चक्की लेना है, तो आप इस चैनल को, आई एम विवेक सिंह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से प्रतिदिन डेली इस पर एक एक वीडियो आएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा चक्की, कौन सा एक्सपेलर, कौन सा मोटर, कौन सा इंजन, कौन सा लैंडसॉफ्ट, कौन सा पुली। अगर आप बिजनेस में नया है तो शुरू से अंत तक सारा जानकारी मैं आपको दूंगा इस बिजनेस के बारे में। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को 1 लाइक तो करेगा ही। और ये कुछ हमारा प्लांट का दोस्तों चौड़ाई हो गया, जहां पे हम तेल का पैकिंग करते हैं और मसाला का पैकिंग करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इतना लंबा चौड़ा हमारा प्लांट का चौड़ाई एवं लंबाई है।
यहाँ पे दो ड्राम हमने रखा है जिसमें हम सरसों का तेल को स्टॉक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी तेल स्टॉक है, फिल्टर तेल है दोस्तों, और इसमें भी हम तेल को स्टॉक करते हैं जैसा कि आप यहाँ पे तेल को देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको कुछ आगे का व्यू दिखाता हूँ, दृश्य कैसा है हमारा फैक्ट्री का। तो पीछे हमने अभी जगह को छोड़ा हुआ है, यहाँ पे एक रूम बनाऊँगा, लेटरिन बाथरूम बनाऊँगा, जिससे आसानी होगी आदमी को यहाँ पे रह के काम करने में। तो हमारा कुछ 150 फीट में प्लांट बैठा है जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप दिखाता हूँ, देखिए कितना लंबा है दोस्तों, 150 फीट में हमने इसे बिठाया है। अगर आप भी ऐसा प्लांट बिठाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो हर रोज प्रतिदिन मिलती रहे। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे लास्ट करता हूँ, कल से एक डेली वीडियो आएगी इस चैनल पे और आपको पूरी डिटेल से मैं आपको बता दूंगा बिजनेस आपको कैसे करना है। तो चलिए धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।